आज कटिहार के एक और वरिष्ठ पत्रकार हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। उनका जन्म 7 मई 1976 को हुआ था। आज अचानक दिल का दौरा पड़ने से 47 वर्षीय पत्रकार आनंद मंसानी का दोपहर को निधन हो गया। आनंद मंसानी सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक सीधे सरल स्वभाव के मिलनसार इंसान भी थे। वह शौक से पत्रकारिता किया करते थे। पत्रकारिता करने का उद्देश्य आनंद मंसानी का सिर्फ यही था कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। कई बार तो आनंद मंसानी ने पीड़ित व्यक्ति को अपनी जेब से ही पैसे देकर उसकी सहायता कर दी। दरअसल आनंद मंसानी एक बेहद भावुक इंसान थे। गाने और संगीत से भी उनको बेहद लगाव था। कई बार वे अपने द्वारा लिखित कविताओं से भी लोगों को प्रभावित कर लिया करते थे। उनके करीब रहे लोगों का कहना है कि आनंद मंसानी एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। आनंद मंसानी ने लगभग 13 वर्ष पूर्व अपनी पत्रकारिता की शुरुआत केबीसी न्यूज से ही की थी। कुछ वर्षों तक केबीसी न्यूज में पत्रकारिता सीखने के बाद वे कई अन्य पत्रिकाओं एवं न्यूज चैनलों के लिए पत्रकारिता करते थे। आज उनके निधन से कटिहार का पूरा पत्रकार जगत शोक में है। जिले के सभी पत्रकार श्रद्धांजलि देने के लिए कटिहार के पावर हाउस रोड स्थित उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। सभी पत्रकारों का कहना है कि आनंद मंसानी के चले जाने से कटिहार के पत्रकारिता जगत में जो रिक्त स्थान हुआ है वह शायद निकट भविष्य में नहीं भर पाएगा। बर्दाश्त कर रहे थे, फिर 12 बजे के बाद जो है ये डॉक्टर के पास जाते दिखाने के लिए, और उसी समय जो है कि कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो आखिर पहले से कहीं कोई प्रॉब्लम? पहले से उस पैर में दर्द था 2 दिन। कितने बजे लगभग? 12 बजे। कितने भाई बहन थे आनंद जी? हम लोग 5 भाई हैं। घर में माँ बाबू जी भी हैं? सब हैं ही। आनंद जी को कितने बार बेचा? आनंद जी को दो बेटी। और वर्तमान में आवाज भारत न्यूज से जुड़े हुए थे जी। आनंद मंसानी का निधन हो गया है, क्या शोक संदेश है, क्या घटना घटी है? हम लोग एक तरह से सोचते थे, चार तरीके से सोचते थे, इतने बुद्धि के धनी व्यक्ति और अचानक से इस तरह उनका देहांत हो जाएगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत हम लोग शोकाकुल हैं, बहुत हम लोगों को खराब लग रहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मित्रवत जो है संबंध था, पारिवारिक रिश्ता भी था आप लोगों का? नहीं, हमारा तो उनका छोटा भाई चंद्रशेखर मंसानी दोस्त है, और उनसे भी बहुत प्राय बात हुई थी, 2-3 दिन पहले ही बात हुई है। बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे कुशल वक्ता भी हैं, बहुत स्वभाव उनका बहुत बुरे हैं। इस तरह का अचानक से भगवान भी कहीं कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं ना कि हम लोग बहुत तकलीफ में हम लोग हो जाते हैं। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।